दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने काला जेठी को सारनपुर के पास से धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने राजस्थान की लेडी डॉन डॉक्टर अनुराधा को भी गिरफ्तार कर लिया। अनुराधा काला जेठी के साथ लिव इन में रह रही थी। अनुराधा ही पूरा गैंग चलाती थी और इसके इशारे पर काला जेठी संगीन वारदातों को अंजाम देता था। अनुराधा पहले राजस्थान के कुख्यात अपराधी आनंदपाल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अवैध हथियारों की हेरा फेरी में वह आनंदपाल का सहयोग करती थी, लेकिन साल 2017 में आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद अनुराधा वहां से फरार हो गई। इस दौरान अनुराधा की मुलाकात पहले लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुई। बिश्नोई की मदद से वह काला जेठी के संपर्क में आई। पिछले करीब 9 महीने से वह काला जेठी के साथ लिव इन में रह रही थी। अनुराधा पर लूट, किडनैपिंग, रंगदारी मांगने सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। अनुराधा राजस्थान के सीकर की रहने वाली है। अनुराधा ने दिल्ली के एक कॉलेज से BCA में स्नातक किया है। BCA करने के बाद अनुराधा ने अपने पति के साथ शेयर बाजार का कारोबार करना शुरू किया, लेकिन शेयर बाजार में घाटा होने की वजह से वह कर्ज के बोझ में दब गई। इसी कर्ज से निकलने के लिए अनुराधा ने अपराध का सहारा लिया और अपने पति को छोड़ कुख्यात अपराधी आनंदपाल के संपर्क में आ गई। इसके बाद अनुराधा अपराध की दुनिया में काफी आगे निकल गई। अनुराधा कितनी खूंखार अपराधी थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता था तो वहाँ हाई लेवल की सिक्योरिटी होती थी, ताकि उसके गिरोह के लोग हमला करके कोई गड़बड़ी ना कर दें। साल 2016 में अनुराधा को नागौर जिले की एक अदालत ने सजा सुनाई। उसे 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। अनुराधा के साथ गिरफ्तार हुआ काला जेठी पर 7 लाख का इनाम था। दिल्ली के साथ साथ जेठरी पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी कई मामले दर्ज हैं। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को काला जेठरी ही चलाता था। साल 2020 में फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में फरार होने के बाद से ही काला जेठरी अलग अलग जगहों पर छिप कर रह रहा था। कुछ दिनों से वह उत्तराखंड में अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा के साथ रह रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस यूनिट के DCP मनीष चंद्रा ने दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन में मोस्ट वांटेड अपराधी काला जेठरी और उसकी सहयोगी वांटेड अपराधी अनुराधा को सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण कामयाबी है, क्योंकि इस गैंग ने दिल्ली, NCR, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा में काफी आतंक मचा रखा था। इनको पकड़ने के लिए पुलिस भी हाथ धोकर पीछे पड़ी थी और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल ही गई।